अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना, चलना, दौड़ना कुदरत की ओर से हम इंसानों को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा है। अगर कभी पैरों में कोई तकलीफ हो तो सिर्फ वह इंसान ही नहीं लेकिन उसका जीवन ही जैसे अटक जाता है। वेरिकोज वेंस एक ऐसी बीमारी जिसके लक्षण कुल आबादी के 30% लोगों में पाए जाते हैं। माना जाता है कि उनमें से 30% लोगों में आने वाले 10 साल में बीमारी की जटिलता बढ़ सकती है। यह बीमारी वेनस अल्सर के रूप में फैलती है। रक्त वाहिनियों में खून के गठान जमा होना, टूटी नसों के माध्यम से रक्तस्राव होना, ये सब इसके लक्षण हैं। लेकिन अहमदाबाद की इंडो वेस्क हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रुजल शाह ने इस बीमारी के इलाज में एक अद्वितीय सफलता हासिल की। अहमदाबाद की इंडो वेस्क हॉस्पिटल में आए एक पेशेंट की समस्या काफी अलग थी। एक तो फैक्टर 7 की कमी यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर और पेशेंट की पैर की नसों से रक्तस्राव होना एक मुश्किल भरा संयोग था। तो मुझे वेरिकोस वेन का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ आफ्टर सोनोग्राफी और डॉपलर के बाद। उसके बाद मैंने डॉक्टर श्रुजल शाह से कंसल्ट किया। उन्होंने मुझे एक लेज़र RAF टेक्नोलॉजी से प्लस स्क्लेरोथेरेपी से ऑपरेशन करने का सजेस्ट किया। उसके लिए मैंने प्लानिंग भी किया लेकिन मुझे फैक्टर 7 डेफिशिएंसी है जिसको हीमोफीलिया कहते हैं और वो एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसमें एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट होता है तो उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है जिसके लिए मुझे इंजेक्शन लेने पड़ते हैं जिसका नाम है NovoSeven और उसकी कॉस्ट अराउंड 91,000 पर इंजेक्शन है। वेरिकोज वेंस का इलाज करने वाले सर्जन पिछले 10 साल से लेजर, RFA और फॉर्म स्क्लेरोथेरेपी का मिनिमली इन्वेसिव इलाज करते थे लेकिन यह पेशेंट की समस्या अलग और गंभीर होने के कारण डॉक्टर श्रुजल शाह ने ग्लू का उपयोग करने का निर्णय लिया। बेशक इस तरह की सर्जरी गुजरात में अब तक कहीं नहीं हुई थी। निर्णय कठिन था लेकिन इसके फायदे भी काफी हैं। जैसे कि यह प्रक्रिया में पेशेंट को एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं होती। ये सिंगल प्रिक थेरेपी है यानी कि एक छोटा सा छेद ही इलाज के लिए काफी है। सर्जरी खत्म होने के साथ ही पेशेंट खुद ऑपरेशन थिएटर से चलकर बाहर आ सकता है और सक्सेस रेट भी RFA और लेसर जितना ही है। आज मैं आपको बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे पेशेंट की जिसको वेरिकोज वेन तो थी किंतु ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि फैक्टर 7 डेफिशिएंसी थी और उसके पैर में से ब्लीडिंग हो रहा था और ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से ये पेशेंट में लेज़र या तो RF की जगह हमने एक ऐसी टेक्निक का यूज़ किया जिसको हम ग्लूट मेथड बोलते हैं। विनासिल नाम की ग्लू यूज़ करके हमने ये पेशेंट का वेरिकोज वेन का इलाज किया जिसमें एक सिंगल पंक्चर में से हम अंदर गए और ऑन द स्पॉट वो वेन बंद की। पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में टेबल से उतर के खुद चल के बाहर आए। सो ये टेक्निक गुजरात में हमने फर्स्ट टाइम यूज़ की है और इसके कुछ एडवांटेज है जैसे कि पेशेंट को स्टॉकिंग पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है और पेशेंट आइडियली सेम डे अपने जॉब या तो बिजनेस पे जा सकता है। कॉमन पीपल के लिए ये बहुत नई चीज़ है और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि वेरिकोज वेन का बहुत सक्सेसफुल इलाज पॉसिबल है लेज़र और RF के साथ साथ। विनासिल जैसी ग्लू जैसी मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके हमने वो ट्रीटमेंट को रेवोल्यूशनाइज किया है और आगे भी इसका बहुत कॉमनली यूज़ कर सके वो हम एक्सपेक्ट करेंगे। नाउ माय सर्जरी हैज़ फिनिश्ड यस्टरडे और आई एम रेडी। कोई कॉम्प्लिकेशन सर्जरी में नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया था आपको मुझे फैक्टर 7 डेफिशिएंसी हीमोफीलिया है। मुझे कोई एक्स्ट्रा फैक्टर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ, ब्लड लॉस नहीं हुआ और मेरी आसानी से सर्जरी फिनिश हो गई। वेनेसिल ग्लू इज़ वेरी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट और सर्जरी। इसके फ़ायदे ये है कि पेनलेस है, किसी भी तरह का आपको पेन नहीं होता है, प्लस यू कैन जैसे मैं सर्जरी के बाद इजीली वॉक करके स्टेप्स चढ़कर अपने रूम पर आया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। यह पेशेंट की बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्लू थेरेपी वेरिकोज वेंस का इलाज कितना सरल और सहज है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विनासिल वेरिकोज वेंस के इलाज के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा।